बहुत ही बैड न्यूज आ रही है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि गरीना फ्री फायर ऐप बैन कर दिया गया है। इसके पहले भी सरकार ने 50 से ज्यादा एप्लीकेशन जो चाइनीज बेस्ड थे सभी को बैन किया था, और अभी भी 53 से ज्यादा ऐप जिसमें गरीना फ्री फायर ऐप भी है शामिल, उसको भी बैन कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट ने। और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके पहले भी चाइना से रिश्ता खराब होने की वजह से सारे ऐप को बंद किया था, और इस बार फिर 53 ऐप को बैन किया गया है। गरीना फ्री फायर ऐप एक ऐसी ऐप थी जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाली ऐप थी, और इसके पहले दोस्तों आपको याद होगा कि इसके पहले पबजी जो मोस्ट पॉपुलर ऐप थी उसको बंद किया गया था। बट इसको बंद करने के बाद तो कई लोग ऐसे थे जिनके बच्चे दिन रात पबजी खेला करते थे, उनके गार्जियन को काफी खुशी हुई थी। बट दोस्तों अगर युवाओं की बात किया जाए तो युवाओं को फिर से एक झटका दिया है भारत सरकार ने, गरीना फ्री फायर ऐप बंद हो गया है, जैसा कि न्यूज में भी आ चुका है। और मैं अभी भी प्ले स्टोर पर भी चेक किया तो प्ले स्टोर पर गरीना फ्री फायर ऐप तो दिख नहीं रहा है मुझे, और पबजी वगैरह तो पहले से ही बंद था। इसके पहले भी जैसे यूसी ब्राउजर आप ले लो, या फिर एक बहुत हम लोग जो वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत सारा ऐप जो यूज करते थे पहले, वो भी बैन हुआ। बैन ऐप बैन होने से दोस्तों हम लोगों को भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, बट ये बात ठीक है कि भाई चलो इंडियन ऐप को अब ज़्यादा मौका मिलेगा। अगर हमारा इंडिया का ऐप यूज करेंगे तो इंडिया को रेवेन्यू आएगी, अगर चाइनीज ऐप हम यूज करते हैं तो चाइना को रेवेन्यू लगता है। तो ये तो भाई भारत के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए तो अच्छी बात है, बट युवाओं के लिए जो गरीना फ्री फायर ऐप खेलते थे कंटिन्यू उस पर एंटरटेन होते थे, अब उनको शायद थोड़ी दुख होगी। और ओवरऑल यदि बात किया जाए तो गरीना फ्री फायर ऐप बैन हो गया है इंडिया में, इसके साथ ही 53 ऐप जो बंद हुआ है। और ये देखो मैं अभी अपने टैब में देख रहा था कि फुल स्टॉप बैन एप्स यहाँ पे दिया गया है, गरीना फ्री फायर ऐप एंड 53 अदर चाइनीज ऐप बैन, फुल लिस्ट ऑफ बैन ऐप द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है रिकमेंडेड ए बैन ऑफ 53 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन। यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, यानी होम मिनिस्ट्री ने ये आदेश जारी किया है जिसमें चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है। तो जो युवा खासतौर से जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे वो लोग तो काफ़ी गेम में समय और अपना टाइम वेस्ट करते थे, शायद अब उनको पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। सरकार यही सोच के खासतौर से चाइना की या फिर गेमिंग ऐप को बंद करती है ताकि युवा अपने सही दिशा में काम कर सके। तो ओवरऑल तो अभी तत्काल तो लग रहा है कि भाई फ्री फायर ऐप बैन हो गया। पबजी के बैन होने के बाद तो पबजी जैसा एक ऐप ले आया और कई सारे ऐप आ गए, बट ये फ्री फायर ऐप तो तत्काल बंद हो रहा है दोस्तों। दोस्तों अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें सब्सक्राइब, और आपको अगर लगता है कि किसी टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप हमें लिख सकते हो और मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। और अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर करो सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।